जय हिंद साथियों, आज सुबह मैंने न्यूज चैनल में एक न्यूज सुनी जिसमें बताया गया था कि नोएडा में 17 वर्षीय एक बच्ची के साथ 80 वर्षीय एक कलाकार के द्वारा डिजिटल रेप कमिट किया गया। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें डिजिटल रेप क्या होता है इसके बारे में आप सभी को बताना चाहिए। अब विदेशों में डिजिटल रेप शब्द का प्रयोग काफी वर्षों से हो रहा है, हालांकि भारत में इसका प्रयोग यदाकदा ही सुनाई देता है। जैसा कि डिजिटल वर्ल्ड से हम सभी ओपिनियन बनाते हैं कि डिजिटल रेप में कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन या टेलीविजन का प्रयोग अवश्य हुआ होगा, परंतु ये सच नहीं है। डिजिटल रेप में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि डिजिट्स का मतलब होता है कोई संख्या, उसी प्रकार से हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी एक प्रकार के डिजिट होते हैं। जैसे कि हमारी हाथ की फिंगर, पैरों की उंगलियां या हाथ का अंगूठा या पैर का अंगूठा। तो अगर किसी भी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट में, रेप में अगर फिंगर्स का यूज होता है तो वो एक डिजिटल रेप की श्रेणी में आता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अगर किसी भी विक्टिम के साथ डिजिटल रेप कमिट हुआ है तो उसे किस सेक्शन के अंतर्गत FIR करानी चाहिए। तो इसके लिए कोई अलग से IPC के अंतर्गत सेक्शन का प्रोविजन नहीं है। जो जो सामान्य रेप की घटना के संबंध में जो धाराएं लगती हैं IPC की, वही इसमें भी प्रभावी होती हैं। और अगर कोई विक्टिम जो है वो नाबालिग है तो उसमें पॉक्सो एक्ट का भी प्रोविजन है। अतः चूंकि ये जो केस का जो मैंने जिक्र किया उसमें जो विक्टिम है उसकी एज 17 ईयर्स है, तो वो माइनर की श्रेणी में है, तो उसमें 376 IPC और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की जाएगी। तो उम्मीद है कि आज आपको डिजिटल रेप क्या होता है इसके संबंध में जो क्लैरिफिकेशन है वो मिल गया होगा। मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके।